हैं सबसे तेज न्यूज चाय वाला के बाद अब चौकीदार, और चौकीदार की ये बात कहां तक जाएगी। और हम मौजूद हैं यूपी के आजमगढ़ में, जहां जो लोगों से बात करेंगे और लोगों का क्या मूड है, जबकि अखिलेश यादव यहां चुनावी मैदान में हैं और लोग क्या कहते हैं आजमगढ़ के, सीधे रुख करते हैं। क्या नाम है सर आपका? रुद्र प्रकाश राय। रुद्र प्रकाश जी, यहाँ की चुनावी सरगर्मी बड़ी है, सीट बड़ी हो गई है, अखिलेश चुनाव मैदान में है, किस तरह देखते हैं आप? इसके पहले यहाँ मुलायम सिंह यादव जी चुनाव मैदान में थे, तब भी भाजपा ने निकटतम लड़ाई लड़ा था। ये राष्ट्र के नेतृत्व का सवाल है, यहाँ प्रादेशिक मुद्दे छोटे हैं और हम लोग तो वोट मोदी जी को करेंगे। मोदी जी को वोट करेंगे, यहाँ पर सीटों की लड़ाई है, सभी अपना अपना दावा कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर प्रत्याशी का अभी तक चुनाव नहीं हुआ, किस तरह चुनाव लड़ेंगे? हमारा प्रत्याशी कमल है, हम कमल निशान की बटन दबाएंगे, वो प्रत्याशी जो भी हो, प्रत्याशी चुनने का काम राष्ट्रीय नेतृत्व का है, वो जिसको भी चुन के भेजेगा हम उसको दिल्ली चुन के भेज देंगे। अच्छा, किस तरह की लड़ाई रहती है, जबकि पिछली बार 50,000 का कम से कम अंतर था, इस बार क्या कुछ रहेगा कुछ जनता का? इस बार वो अंतर भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, भाजपा के नेता हैं क्या आप? नहीं, जनता। आपका क्या नाम है सर? राकेश सिंह। राकेश जी, किस तरह से चुनावी माहौल रहेगा, अखिलेश यादव के आने के बाद हाई वोल्टेज ये सीट हो गई है, किस तरह देखते हैं आप? हाई वोल्टेज वो शो कर रहे हैं, हाई वोल्टेज है नहीं। धरातल पे क्या चीज है? धरातल पे कहीं कुछ नहीं है, न कोई गठबंधन है न कुछ है। नहीं, हमने बात किया आजमगढ़ के 3-4 जगहों पे गए, हम बात किए, लोग बड़ा उत्साहित है, कहते हैं कि विकास हुआ केवल आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के राज में, और जो भी था बीजेपी ने रोक दिया वैसे कार्य को, और यहाँ पे किस तरह से देखते हैं, जब एक बड़ा चेहरा राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का महागठबंधन से प्रत्याशी है, तो किस तरह से बीजेपी की किस तरह से लड़ाई रहेगी यहाँ पे? बीजेपी की लड़ाई सपा से है ही नहीं, कहीं सपा है ही नहीं है लड़ाई में। नहीं, सपा नहीं, महागठबंधन की बात कर रहे हैं, साथी समाजवादी पार्टी हाथी का थी, साथी से लड़ाई है महागठबंधन से। तो अरे अभी कल तक तो ये तो सांप छछूदर की खेल खेल रहे हैं दोनों, कल तक तो एक दूसरे के फूटी आँख सुहाते नहीं थे, स्वार्थ बस इकट्ठा हुए हैं, चुनाव बीतने दीजिए फिर देखिए वही गति होगी जो आज के पहले हुई थी, मैं वो कहना नहीं चाहता हूं। अच्छा, पिताजी यानी कि नेताजी जीते थे 50,000 वोट से, अच्छा बेटे आए हैं अखिलेश यादव, तो किस तरह देखते हैं, कितने वोटों का अंतर रहेगा? पिताजी खुद ही समझ लिए, अपने दिल पे हाथ रख के पूछ लें कि मैं 50,000 वोटों से जीता हूँ कि 50,000 वोटों से जिताया गया हूँ, ये पिताजी अपने दिल पे हाथ रख के स्वतः पूछ लें, उनको पता है, इसीलिए वो स्वयं नहीं आए। अब की बार बेटे के शौक है कि पिता को हटा के जबरदस्ती उसकी जगह पे जाना, आया है उसको भी उसको खामियाजा यहाँ की जनता देगी। कुछ लोग और हैं उनसे बात करते हैं। चाचा जी, आप किस तरह देखते हैं इस चुनाव को, किस तरह से माहौल रहेगा और क्या कुछ रहेगा चुनाव में? माहौल तो बीजेपी का ही है। बीजेपी का माहौल है जी, हाँ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का अभी कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है, और किस तरह से देखते हैं इसको, क्या चुनाव में किस तरह से? हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को देखते हैं, प्रादेशिक स्तर पर किसको खड़ा करते हैं, हमें इस बात से लेना देना नहीं। अच्छा, हम बीजेपी को, हम कमल के फूल को वोट देंगे बस। कुछ लोग और उनसे बात करें। क्या नाम है सर आपका? मूर्तिकार शैलेंद्र सिंह सिद्धार्थ। अच्छा सिद्धार्थ जी, यहाँ पर सीट जो है बड़ी हो गई, क्योंकि अखिलेश यादव यहाँ पे चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो आजमगढ़ की जनता, आजमगढ़ के आप भी हैं, किस तरह से सोचते हैं, क्या कुछ होने वाला है यहाँ? बड़ी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ से अखिलेश जी चुनाव लड़ रहे हैं और नेता जी आए, काफ़ी विकास किया, हम चाहते हैं कि ये भी काफ़ी विकास करें, जो भी आए जनपद का विकास करें, इतना ही जनता की मांग है। जो भी आए जनता का, जनपद का विकास करे। और कुछ लोग और हैं यहाँ पे धुन लगाए हुए हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह से यहाँ पर क्या रहेगा राजनीतिक समीकरण, क्योंकि बहुत देर से ये लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार यादव। अनिल जी, किस तरह से देखते हैं चुनाव में, अखिलेश यादव चुनाव मैदान में हैं, आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? अब अखिलेश यादव या उनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव ने ही यहाँ संपूर्ण रूप से आजमगढ़ का विकास कराया है, यहाँ कोई किसी दल की कोई लड़ाई नहीं रहेगी। तो अखिलेश यादव टेक कर देंगे कि या फिर भाजपा का प्रत्याशी उनको टक्कर देगा? नहीं, कोई टक्कर नहीं, कोई टक्कर है नहीं यहाँ, कोई टक्कर ही नहीं, कोई टक्कर नहीं है। कुछ लोग और हैं सर। सर सर, क्या नाम है, सुबह नाम आपका? संदीप भाई। संदीप भाई, एक मिनट, आप भी बात कर लेंगे। संदीप भाई से बात करते हैं। संदीप जी, क्या करते हैं सर? सर हम पत्रकारिता। अच्छा, पत्रकारिता करते तब तो बहुत बढ़िया बात है। संदीप जी पत्रकार हैं, बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। सर यहाँ पे जो
समीकरण है सपा अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष को आने के बाद यहाँ पर कुछ बदल सा गया है क्या कि पहले समीकरण? पहले जैसा ही समीकरण, यहाँ 17 लाख मतदाता है, 7 लाख इसमें यादव मुसलमान हरजन है, बाकी 10 लाख वोटर जो है फ्री हैं, इसलिए चुनाव हल्का नहीं होने वाला है आजमगढ़ का। जिस हिसाब से समझा जा रहा कि यहाँ हल्का चुनाव रहेगा, एक तरफा रहेगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये पिछले दिनों पे जब 50,000 का अंतर था, आज वो अंतर कैसे देखते हैं आप महागठबंधन के बाद? ये हाँ बोलिए। पिछले बार जो अंतर 50,000 का था जीत का, जी, नेताजी जब लड़े थे एक्रोमैक्स 50, लेकिन इस बार महागठबंधन के बाद क्या है इसका? कोई अंतर नहीं है इस बार। मतलब किसने का अंतर रहेगा हार जीत का? अरे हार जीत का अंतर यहाँ टप लड़ाई रहेगी आजमगढ़ की, टप लड़ाई रहेगी। अभी तो पार्टी का कैंडिडेट भी घोषित नहीं हुआ। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं पार्टी का कैंडिडेट होने पे यहाँ टप लड़ाई रहेगी। तो देखा आपने किस तरह से लोगों का राय कुछ अलग अलग था, लेकिन जो पत्रकार जो हैं बुद्धिजीवी वो बात कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में लड़ाई तगड़ी रहेगी। कोई ये समझे कि अखिलेश के आने के बाद यहाँ पर सीट हल्की हो गई बीजेपी की, तो ये कहना गलत होगा। बने रहिए सबसे तेज न्यूज़ के साथ, आगे ताज़ा तरीन वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।